नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बीच पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी टाइम से मैं बात कर रहा था इसके ऊपर कि हम लोग एक क्रिप्टो टोकन रिव्यू की सीरीज चालू करने वाले हैं बहुत जल्दी ही। तो आज उस सीरीज में मैं सबसे पहले एक मंटा नेटवर्क टोकन का जो है मैं उसका रिव्यू करने वाला हूँ, अपनी तरफ से अपना ओपिनियन मैं उसके ऊपर देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे मंटा टोकन के टोकन अब्स के ऊपर, उसके नेटवर्क के ऊपर, उसके डेवलपमेंट के ऊपर, उसके जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर, और इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो चलिए, अगर जिस किसी ने भी वीडियो को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइव कर लीजिए, मैं वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मंटा नेटवर्क टोकन जो है वो अपना मंटा खुद का ब्लॉकचेन है उसका, ये उसके ऊपर डेवलप किया हुआ टोकन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मंटा डॉट नेटवर्क जो है मंटा नेट टोकन की जो है वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर जैसे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग सारी कुछ अपडेट हमको मिलती है, जैसे कि ये जेड के विद द मॉड्यूलर ब्लॉकचेन और इथेरियम मंटा पैसिफिक मेननेट इज लाइव। जैसे कि आप लोगों को पता है ये लिस्ट हो चुका है वर्ल्ड के टॉप जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, टॉप 10 के ऑलमोस्ट सारे एक्सचेंजेस पे ये लिस्टिंग हो चुका है और अच्छे प्राइस में ट्रेड हो रहा है इस समय। आप लोग चेक कर सकते हैं बाइनेंस से लेकर बायबिट, ओकेएक्स, यूओबी, सारे एक्सचेंजेस पर ये लिस्टेड है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि इसको बैकअप किसका है। इसको ओपी स्टैक, पोलका डॉट, पॉलीगोन, सेलेस्टिया, ये सब जो प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो के, इन सब का बैकअप है मंटा टोकन को। और इसका जो अपना इकोसिस्टम है, देखिए आप कन्वर्ट मॉड्यूलर एनएफटी इशू टोकन में कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लेम योर एयरड्रॉप टोकन का ऑप्शन था यहाँ पे, क्योंकि इसका जो था लॉन्चिंग के पहले काफी टाइम तक इसका जो एयरड्रॉप का वो चल रहा था सेशन, लेकिन अभी एयर ड्रॉप खत्म हो चुका है, अभी एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। लॉन्चिंग के पहले ये चल रहा था, अब ये बता रहा है कि इनकी क्वालिटी क्या है। देखिए, मॉड्यूलरिटी ऑफ लोअर गैस फी इनका एक है कि ये लोअर गैस फी पे वर्क करता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप इथेरियम नेटवर्क के किसी भी टोकन को यूज करते हैं तो वहां पे गैस फी जो है सबसे ज्यादा है, और वहीं आप अगर TRC20 के नेटवर्क पे किसी भी टोकन को यूज करते हैं तो वहां पे गैस फी जो है सबसे कम है। तो यहाँ पे जो मंटा नेटवर्क है इसकी जो गैस फी है वो लोअर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिया हुआ है कि इसकी जो गैस फी है वो लोअर है। और कोर फीचर्स क्या है इस टोकन के, जो कोर फीचर्स हैं यानी कि जो प्रमुख इसकी विशेषताएं क्या हैं, लो फीस, हाई स्केलेबिलिटी है उसके अंदर, अलावा इसका डेवलपर फ्रेंडली ऐप, एग्नोस्टिक है, और न्यू जेड के यूज केसेस भी इसके अंदर है। मंटा पैसिफिक यूनिवर्सल सर्किट्स एंड जेके लाइब्रेरी फॉर डेवलपर्स टू इजिली कॉल जेके इनेबल कॉन्ट्रैक्ट फॉर देर एग्जिस्टिंग सॉलिडिटी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड डेप्स, नॉन इन्वेसिव कॉम्प्लायंस भी है, ए ग्रोविंग इकोसिस्टम। ये इसका इकोसिस्टम जो है बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, और इसकी में बहुत जल्दी डिफाई में आपको ग्रोमिंग, सोशल गेमिंग के, सोशल ऐप के सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं इसके ऊपर। और यहाँ पे आप इसका NFT भी मिंट कर सकते हैं, मिंट योर जेट के SBTS, आपके इसका NFT भी आप यहाँ से मिंट कर सकते हैं। और प्लस इसकी जो टोटल वैल्यू लॉक है, टोटल वैल्यू लॉक आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.74 बिलियन जो है इसकी टोटल वैल्यू लॉक चल रही है डेक्स प्लेटफॉर्म पे। डेक्स प्लेटफॉर्म पे जो टोटल वैल्यू लॉक होती है उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जैसे कि अगर किसी भी टोकन की जो टोटल सप्लाई का एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है ब्लॉक रहता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, उसके बीच में वो सप्लाई मार्केट में आ नहीं सकती, रिलीज नहीं हो सकती है। इसको आप कॉइन मार्केट के थ्रू भी एक बार चेक कर सकते हैं जाके, और जिस प्लेटफॉर्म पे ये लॉक रहती है वहां पे भी जाके आप कॉन्ट्रैक्ट पे आप इसको इजीली चेक कर पाएंगे। और अभी तक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 14.57 मिलियन जो है ट्रांजेक्शन हो चुका है, ऑन चेन ट्रांजेक्शन मंटा नेटवर्क में हो चुका है, और इसके टोटल 196 इकोसिस्टम जो प्रोजेक्ट है वो रन कर रहे हैं इस टाइम पे। तो ये सारी चीजें इसकी दोस्तों हाईलाइट है यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं इसके टोकनॉमिक्स के बारे में, प्लस इसकी जो सप्लाई है उसके बारे में, कौन कौन से मार्केट में लिस्टिंग है इसकी, वो सब सारी चीजें हम लोग एक बार जानकारी में लेते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि इसका जो टोकन एलोकेशन है वो किस तरीके से है। तो देखिए, यहाँ पे जो मंटा टोकन एलोकेशन जो है, यहाँ पे 12.94% टोकन जो था वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए अलॉट किया हुआ था, एलोकेट किया हुआ था उस टाइम पे। ये प्री लॉन्च के टाइम का ये एलोकेशन प्रोसेस है, और न्यू पैराडिगम के एयर ड्रॉप के लिए 6.5% था। जैसे मैंने आपको बताया कि एयर ड्रॉप के थ्रू भी काफी सारा टोकन जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया गैलेक्सी प्लेटफॉर्म के थ्रू, न्यू पैराडिगम के थ्रू, तो वहां पे 6.5% का एलोकेट किया गया था। फाउंडेशन ट्रेजरी, फाउंडेशन ट्रेजरी मतलब क्या होता है कि जो इसके डेवलपर होते हैं, फाउंडर रहते हैं, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट को होल्ड करके रखते हैं अपने पास फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। तो ये फाउंडेशन ट्रेजरी में यहाँ पे 13.50% टोकन जो है होल्ड पड़ा हुआ है। प्लस कम्युनिटी और इकोसिस्टम के लिए
21.19% है। देखिए कम्युनिटी और इकोसिस्टम मतलब क्या होता है कि जितने भी इसके इकोसिस्टम को डेवलप करना रहता है इन फ्यूचर, इसके ऊपर जो भी नए नए प्रोजेक्ट आएंगे उन सब चीज़ों के लिए इतना फंड जो है सेफ रखा हुआ रहता है कि इन फ्यूचर में इस चीज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है, प्लस कम्युनिटी यूजेस के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एडवाइजर फंड जो है 8.10% है, जो इसके ऑफिशियल एडवाइजर है मंटा टोकन के एडवाइजर टीम है उनके लिए 8.10% टोकन जो है रखा हुआ है, और इसकी जो कोर टीम है उसके लिए 10% टोकन एलोकेट किया हुआ है, प्लस पब्लिक इन्वेस्टर के लिए 8% है। 8% पब्लिक इन्वेस्टर मतलब वो कौन से है, तो जब ये कोई भी टोकन लॉन्चिंग के पहले जब प्री सेल होता है तो प्री सेल में जो लोग उसको बाय करते हैं वो पब्लिक इन्वेस्टर होते हैं। और प्राइवेट इन्वेस्टर कौन होते हैं, जो किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्टअप के पहले फंड इन्वेस्ट करते हैं इंटरनल प्रोसेस में, वो प्राइवेट इन्वेस्टर होते हैं। और पब्लिक इन्वेस्टर वो होते हैं जो इसको ऑफिशियली किसी प्री सेल प्लेटफॉर्म पे लॉन्च होने के बाद वहां से प्री सेल में परचेस करते हैं पब्लिकली, वो पब्लिक इन्वेस्टर होते हैं। प्लस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स के लिए भी 6.17% लॉक किया हुआ है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 5% है, प्लस एयर ड्रॉप जो एयर ड्रॉप गैलेक्सी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया गया था उसके लिए 5.6% डिस्ट्रीब्यूशन था। और उसके बाद जो लास्ट में दिख रहा है आप लोगों को बाइनेंस लॉन्च पूल 3%। बाइनेंस लॉन्च पूल के बारे में जिस किसी को नहीं पता रहेगा, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर कई सारी वीडियो बनाई है बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे वहां से मिल जाएगा। बाइनेंस लॉन्च पूल होता क्या है एक्चुअली, कि जब भी किसी नए टोकन को मार्केट में लॉन्च करना रहता है तो उसको 6 से 7 दिन पहले ना बाइनेंस लॉन्च पूल में उसको डाल दिया जाता है, और उसका फार्मिंग पीरियड होता है। जैसे कि सपोज अगर लॉन्च पूल में आ गया तो आप वहां पे से $100 के BNB से या USDT से या जो भी एलोकेट टोकन रहेगा उससे आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एवरी आवर जितनी टोटल सब्सक्रिप्शन हुई रहती है और जितना टोटल टोकन मिलना है लॉन्च पूल में उससे डिवाइड करके एक पर्टिकुलर रेशियो आपको एवरी आवर आपके स्पॉट वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है, जिसको आप लॉन्चिंग के बाद यानी कि लिस्टिंग के बाद आप उसको इजीली ट्रेड कर पाते हैं उस प्लेटफॉर्म पे। तो ये तो रहा दोस्तों इसका टोकनॉमिक्स है मंटा नेटवर्क का, कि कहाँ कहाँ पे कितना कितना इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अब हम लोग चलते हैं एक बार कॉइन मार्केट कैप पे, और इसको एक बार देखते हैं कॉइन मार्केट कैप पे कि इसके बारे में क्या अपडेट है, वहाँ पे कौन कौन से एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग है, इसका ट्रेंडिंग वॉल्यूम क्या है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए मैं आ गया हूँ कॉइन मार्केट कैप पे, और कॉइन मार्केट कैप पे दोस्तों एक सबसे बड़ी चीज जो देखने के मिल रही है आपको लोगों को, मैं यहाँ पे देख दिखाता हूँ एक बार। आज के टाइम पे मार्केट में कॉइन मार्केट कैप पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेंडिंग टोकन में नंबर 1 पे मंटा नेटवर्क टोकन ट्रेंड कर रहा है, जबकि इसका प्राइस जो है 24 आवर्स में 6.56% डाउन होने के बाद भी मंटा नेटवर्क जो है नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि इस टोकन का जो है पोटेंशियल काफी स्ट्रांग है, और स्ट्रॉन्ग के साथ साथ 2-3 चीजें और हैं इस टोकन में, जैसे कि ये कुछ इकलौता चुनिंदा टोकन में से है जो लिस्टिंग के टाइम ही वर्ल्ड के टॉप 10 क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाता है एक साथ। नहीं तो जनरली दूसरे क्रिप्टो वालों का प्रोसेस क्या होता है कि कोई क्रिप्टो मार्केट में आता है लेयर 3 लेयर 2 लेयर 1, प्रोसेस वाइज वो लोग एक टोक एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पर पहुंचते हैं, लेकिन मंटा नेटवर्क टोकन ने एक ही बार में बाइनेंस से ही स्टार्ट किया, सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे वो एक ही दिन में लिस्ट हो चुका है। तो चलिए अब इसको हम लोग एक बार ओपन करके देख लेते हैं कि इसके अंदर को और क्या क्या चीजें हैं। ये आप लोग देख सकते हैं मंटा नेटवर्क का जो है पूरा प्रोफाइल यहाँ कॉइन मार्केट कैप पे खुल चुका है। करंट प्राइस चल रहा है $3.31। मंटा नेटवर्क का करंट प्राइस जो है 24 आवर्स में 6.63% इसका जो प्राइस है वो डाउन भी चल रहा है, और मार्केट कैप इसका सीधी सी बात है जिसका प्राइस अगर 6.63% है तो मार्केट भी उतना डाउन रहेगा। और इसका 24 आवर का जो वॉल्यूम है वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वॉल्यूम भी जो है डाउन चल रहा है 7% के अराउंड, और वॉल्यूम मार्केट कैप का 24 आवर्स में 43% है। सर्कुलेटिंग सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई जो होती है किसी भी टोकन की, वो सप्लाई जो मार्केट में इस टाइम पे सर्कुलेटिंग में है, देखिए सर्कुलेटिंग सप्लाई और टोटल सप्लाई दोनों यहाँ पे दिया हुआ है, सर्कुलेटिंग एंड टोटल। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई और टोटल सप्लाई में फर्क क्या होता है, टोटल सप्लाई मतलब वो सप्लाई जितना टोटल टोकन की माइनिंग होनी है, माइनिंग की या फिर अदरवाइज अगर वो टोकन टोटल जितना क्वांटिटी डेवलप किया गया है वो टोटल सप्लाई होती है, प्लस उसमें से कितना क्वांटिटी मार्केट में है। अभी देखिए दो चीज मैंने आपको अभी बताया था कि TVL यानी कि टोटल वैल्यू लॉक जो होता है टोकन का वो इसमें काउंट नहीं होता है, टोटल वैल्यू जो लॉक है उसको सर्कुलेशन में नहीं माना जाता क्योंकि वो ऑलरेडी लॉक है वो क्वांटिटी जो है, तो उसी क्वांटिटी को सर्कुलेशन में सिर्फ काउंट किया जाता है जो सर्कुलेशन में है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 25 करोड़ मंटा टोकन जो है सर्कुलेशन पे मार्केट में है इस टाइम पे, मतलब टोटल सप्लाई का 25% इस टाइम पे मार्केट में है सर्कुलेशन में, और उसका फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप भी यहाँ पे शो कर रहा है जो डॉलर में दिखाता है यहाँ पे।
अब दो तीन चीजें यहाँ पे और हैं, जैसे कि मंटा टोकन जब लॉन्च हुआ था तो उसका जो ऑल टाइम लो था वो था 2.05 डॉलर। इस बार हम लोग इस बार इसका हिस्टोरिकल डेटा को भी एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों अपनी तरफ से। देखिए ये मंटा नेटवर्क का जो है हिस्टोरिकल डेटा आ गया है, जैसे कि इस टोकन की उम्र जो है अभी 10 से 12 दिन की इसकी उम्र है। जनवरी 18 को ये फर्स्ट टाइम किसी प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हुआ और इसका स्टार्टिंग जो था ओपन प्राइस जो था आप लोग देख सकते हैं 2.26 डॉलर से स्टार्टअप हुआ ये। उसके बाद ये हाई गया 2.74 तक और उस 18 तारीख की जनवरी की डेट में ये क्लोज हुआ 2.15 डॉलर पे। और उसके बाद इसके प्राइस में काफी टाइम से अप डाउन होते होते करंट में जो 30 जैन 30 का जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 3.70 डॉलर में ओपन हुआ था। 3.78 डॉलर इसका हाई था और लो था 3.33 और क्लोज हुआ 3.37 में इसका जो है प्राइस क्लोज हुआ। ये वीकली अपडेट है क्योंकि ये टोकन अभी जस्ट नया ही है, इसकी 12 से 13 दिन की उम्र है तो इतनी डिटेल इसके बारे में मिल सकती है। अब हम लोग एक बार चलते हैं देखते हैं कौन कौन से एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग हो चुकी है और कहाँ कहाँ पे है और कौन सी पेयर में ये ट्रेड हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा दोस्तों मार्केट में। मार्केट पे जैसे ही आप जाते हैं तो वहां पे वो सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे आ चुका है ऑल एक्सचेंजेस में। बाइनेंस पे मंटा यूएसडीटी का पेयर ट्रेड हो रहा है, एसटीएक्स पे मंटा यूएसडीटी का पेयर है, बिट थम पे मंटा और केआरडब्ल्यू का पेयर है, कोकॉइन पे मंटा यूएसडीटी है, बाइबिट पे भी है, बाइनेंस पे मंटा और ट्राई का भी पेयर है वहां पे। बाइनेंस में टोटल 6 पेयर है, मंटा बीटीसी, मंटा FDUSD, मंटा ट्राई, मंटा USDT और ऐसे 2 पेयर और हैं आगे की स्लाइड में आपको देखने के लिए मिलेगा ये। और आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट में ऑलमोस्ट सारे एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट है। आप लोग देखेंगे बाइनेंस, STX, बिटहम, बाइबिट, गेट.io, बिंगएक्स और भी 2-4 एक्सचेंजेस जो आगे आपको स्लाइड में दिख जाएंगे। बिटमार्ट, MEXC, टोको क्रिप्टो एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, हॉट कॉइन, फीमिक्स, बाइनेंस TR, बिटगेट, लगभग सारे एक्सचेंजेस पर ये लिस्ट हो चुका है। और प्लस ये तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, अपना सेंट्रलाइज एक्सचेंज है जो मैंने अभी आपको बताए, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज कौन से एक्सचेंज है जहाँ पे ये लिस्ट है। ओपन ओशियन इकलौता ऐसा डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मंटा नेटवर्क जो है ट्रेड कर रहा है फिलहाल में। आप लोग यहाँ पे देखेंगे ओशियन नेटवर्क पे और प्राइस लगभग ऑलमोस्ट सेम ही है, मंटा USDT, USDC, इथेरियम और डब्ल्यू इथेरियम, ये 4 पेयर में वहाँ पे ओपन ओशियन पे मंटा नेटवर्क जो है ट्रेड कर रहा है दोस्तों फिलहाल के लिए। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों की इसकी जो सप्लाई टोटल है, टोटल सप्लाई जो इसका 25% इस टाइम पे सर्कुलेटिंग है टोटल सप्लाई का, और 174 बिलियन के अराउंड जो सप्लाई है वो लॉक है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर। और देखिए ICO के बारे में भी इसके यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इसका जो ICO चालू हुआ था उसके बारे में सारी चीजें भी यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। बाइनेंस लॉन्च पैड पे इन्होंने जब इसका पार्टिसिपेशन दिया था लॉन्च पूल, जो मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ा देर पहले एक्सप्लेन किया इसके बारे में। और अबाउट में अगर आप जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पे है, मंटा नेटवर्क इज द मॉड्यूलर इकोसिस्टम फॉर वेब थ्री, यूजर कैन बिल्ड एंड डिप्लॉय एनी सॉलिडिटी बेस्ड डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन ऑन मंटा एंड लेवरेज इट्स टेक्नोलॉजी स्टैक टू डिलीवर फास्टर ट्रांजेक्शन स्पीड देन एन L1 एंड लोअर गैस कॉस्ट देन L2। ये 2-4 चीजें हैं। ये टोकन का फ्यूचर दोस्तों मेरे हिसाब से काफी ब्राइट है क्योंकि ये कुछ चुनिंदा टोकन्स में से है जिसने मार्केट में एंट्री करते के साथ ही सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने आप को इस्टेब्लिश किया और सारे बड़े प्लेटफॉर्म पे एक साथ ही इसने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को स्टार्टअप किया था। तो और प्लस इसके प्राइस में भी काफी अच्छा सारा ग्रोथ देखने के लिए मिला है। फिलहाल इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो उसकी टोटल सप्लाई का 25% ही मार्केट में है। तो धीरे धीरे इन फ्यूचर अभी ये डेवलपर्स का क्या प्लानिंग है, वो सप्लाई जब मार्केट में आती है उसके बाद इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है वो तो आने वाले फ्यूचर में आपको पता चलेगा। जैसे जैसे जो सर्कुलेटिंग सप्लाई और मार्केट में इंक्रीज होती है या फिर इनकी कुछ और प्लानिंग है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई को और डिक्रीज करने का, प्लस इसमें कुछ बर्निंग वगैरह का प्रोसेस अगर होगा उन सारी चीज़ों को लेकर, तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इसके फ्यूचर के ऊपर, इसका फ्यूचर का ग्रोथ कैसा है। क्योंकि अभी अप्रैल में आपको पता है कि अप्रैल 8 को बिटकॉइन की हालविंग होने वाली है, तो बिटकॉइन की हालविंग के बाद मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो हो सकता है मंटा नेटवर्क भी अपना उस टाइम पे कुछ न कुछ बेनिफिट दे सकता है। अदरवाइज आप अपने रिसर्च के हिसाब से आप किसी भी टोकन में इन्वेस्ट करने के पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें, क्योंकि ये मैं जो बताता हूँ ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मेरी पर्सनल राय है। मैं इस किसी भी टोकन के बारे में जो रिसर्च करता हूँ, एनालाइज करता हूँ अपनी तरफ से, जो मुझे उसके बारे में समझ आती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और मैं किसी को कभी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता हूँ अपनी तरफ से दोस्तों।
तो उम्मीद करता हूँ ये जो मंटा नेटवर्क के बारे में जितनी सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, आप लोगों को समझ में आया होगा। इस टोकन के बारे में बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, और भी अगर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा इस चीज को मैं आपको क्लियरली बता सकूं दोस्तों। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी क्रिप्टो कम्युनिटी के लोग इसके बारे में अवेयर हो सके। धन्यवाद।